सो हेलो गाइस, आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ इंडिया की शान बान आन से। ये इंडिया की है फर्स्ट फीमेल बाउंसर। तो बताइए आपका पूरा नाम और ये आपको कैसे हुआ कि फीमेल बाउंसर बनने का सपना कैसे हुआ? मेरा नाम भैरूषा है, मैं एक लेडी बाउंसर हूँ। मुझे इस लाइन में आए 20 साल हो गए हैं। जब मैं इस लाइन में आई थी मुझे नहीं मालूम था कि मैं इंडिया की फर्स्ट फीमेल बाउंसर हूँ। मतलब मुझे लोगों ने बताया, जब पता चला आज मुझे गर्व होता है क्योंकि मैं बाउंसर तो नहीं बनना चाहती थी। मेरा सपना था आर्मी ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर बनने का। मैं एक गुर्जर फैमिली से हूँ और मुस्लिम समाज से। उस टाइम लड़कियों को पढ़ाने पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी क्योंकि लड़की जो पढ़ जाती थी परिवार को लगता था कि यार क्या करना है पढ़ा के, रोटी सब्जी बनाने सिखाओ, घर का मैं पल्लू रखो और ज़्यादा आलूची आवाज में बात नहीं करना, तो मुझे स्कूल भेज के कौन सी डिग्री प्राप्त करनी है, शादी करो और ब्याह करके भेज दो। मतलब गुर्जर फैमिली से थी मैं उस टाइम पे, अभी हूँ गुर्जर फैमिली से। मतलब ये है कि उस टाइम का दौर ऐसा था, समाज को ये लड़कियों को पढ़ने की बोल देते हैं, तो जॉब करनी तो बहुत बड़ी बात थी। जब इस लाइन में बहुत प्रॉब्लम का सामना किया, आज प्राउड है उन्हीं लोगों को जो मुझे मना करते थे पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगी जो लड़कियां आज भी ये बात कहती हैं या जिनको लोग ये बात कहते हैं कि ये मत करो, ये तो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ये काम तुम्हारे बस का नहीं, बताइए? मैं उन सबको ये कहना चाहूँगी कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती हैं और लड़कियां कभी छोटी नहीं होती हैं। या लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि जो लड़कियां कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि एक लेडी, एक औरत जब बच्चा जन्म दे सकती है और उसके साथ में उसकी परवरिश करके बड़ा कर सकती है, तो वो पूरी दुनिया का हर एक दुख सुख भी झेलकर आगे बढ़ सकती है। तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। मैं नेहा भाटी आप लोगों को प्रमोट करती हूँ कि आप भी इनकी तरह देश का नाम ऊंचा कीजिए और ये लड़के लड़कियों के बैरियर से आगे बढ़िए, और ये हैं रियल हीरो इंडिया के। एग्जैक्टली।